वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिस इज क्लियरली अ स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, नंबर वन। सेकेंडली, दिस इज अ कलेक्टिव पनिशमेंट बीन गिवन टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। थर्ड, दिस इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ जेनीवा कन्वेंशन। फोर्थ, अंडर वॉट लॉ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ डिमोलिश हाउसेज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। फिफ्थ, इफ दे वेर इलीगली बिल्ट, यू कैनॉट आर्बिट्रली डिमोलिश एनी हाउस, यू हैव टू गिव अ नोटिस। सिक्स्थ, यू कैन रेगुलराइज दोज हाउसेज। सेवेंथ, इट क्लियरली शोज देयर बायस एटीट्यूड ऑफ द मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट टूवर्ड्स द मुस्लिम माइनॉरिटी, बिकॉज it is a state complicit violence. Earlier it was state sponsored, then it was mob lynching, now it is state complicit violence, and they have failed in protecting the properties and the life of a particular Muslim minority community. And the last point which I want the people of India to remember, how is it that the old Muslim women were assaulted? 70-year-old Muslim women, their elbows were broken, their heads were smashed. Who did this? It is a Madhya Pradesh police. पत्थर फेंकने पे ऐतराज किसी ने नहीं जताया, ना दिग्विजय सिंह जी ने, ना ओबीसी जी ने। अब पत्थर फेंकने वालों पे कार्रवाई, विजुअल फुटेज देखे ना। कल अपना रामनवमी का जुलूस था, उस पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पर जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट हैं, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के मारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, कितने जगह कार्रवाई अभी चिन्हित की गई? अभी लगभग 50 के करीब कार्रवाई की जगह चिन्हित हुई है, कार्रवाई चल रही है और ये अब निरंतर चलेगी।